हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार जो है आप सबका जो है अबंडेंट लाइफ में स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद। मैं जो है पास्टर पीटर और आज फिर एक बार जो है एक नए विषय के साथ आपके बीच में आया हूँ। और आज हम जो है यहोशू के किताब में से सीखेंगे और यहोशू के किताब में जो है हम जो है जानेंगे कि क्या क्या बातें लिखी है। तो आइए हम जो है शुरू करते हैं। आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि जो है आज हम सबको जो है सुंदर सा मौका दिया है। और आज जैसे यहोशू के किताब में जो है हम लोग सीखने वाले हैं यहोशुआ की किताब जिसको कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें जो है यहोशू के किताब में हमें सीखने मिलता है, बहुत सारी चीजें जो ऐसी बातें हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है जो है एक अगर आप यूथ है तो यूथ के लिए ये किताब पढ़ना बहुत ही जरूरी है कि किस तरह से जो है यहोशुआ जो है वो उसने जो है पूरे इजरायली देश को जो है उस भूमि में लेके गया जो प्रतिज्ञा की गई थी, है ना। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें ऐसे देश में पहुंचाऊंगा जहां पर दूध और मद की धाराएं बहती है, और यहोशू ने जो है वो काम को पूरा किया। और एक एक अध्याय से हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे परमेश्वर ने आत्मतृप्ति से काम किया। तो आप इस वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा, बीच में जो है आप छोड़िएगा नहीं, ताकि जो है आपको सारी बातें जो है पता चले कि यहोशू में किस तरह से क्या बातें। बहुत ही अच्छे नाम, और उसी तरह से हम लोग देखेंगे। और यहोशू की किताब को अगर हम पढ़ते पहले अध्याय से पढ़ते तो वहां पर पहले बातें लिखा कि परमेश्वर ने कहा कि अब मेरा दास मूसा नहीं रहा। तो मूसा नहीं रहा, और मूसा की जो सारी जिम्मेदारी थी, जो मूसा को काम दिया गया था, वो सारी जिम्मेदारी जो है यहोशू को दी गई थी। इसीलिए वहां पर पहले अध्याय में पहला वचन कहता है, दूसरा वचन कहता है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तो उठ कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने यहाँ पर जो है यहोशू को जो है ये आज्ञा दिया कि अब मेरा दास मूसा नहीं रहा, अब तू उठ खड़ा हो जा और मेरी प्रजा इसराइलियों को जो है उस देश में पहुंचा जहाँ पर मैं उन्हें पहुंचाना चाहता हूँ। तो परमेश्वर की कितनी बड़ी जिम्मेदारी जो है यहोशू को दिया गया था। और यहोशू को क्यों चुना गया, यहोशू को क्यों चुना गया, अगर हम पहले बातों को निर्गमन की किताब में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारी यहोशू की बातें हमको जान पड़ती है कि यहोशू एक परमेश्वर के लिए जो है बहुत ही जागरूक व्यक्ति, परमेश्वर के लिए जुनून रखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के लिए जो समर्पण व्यक्ति था। और जब भी जो है मूसा कुछ बातें कहता था वो तुरंत जो है उसकी आज्ञा को मानता था। और हम देखते हैं वहां पर निर्गमन की किताब में भी पढ़ेंगे तो जब यहोशू जो है मूसा जो है उस पर्वत पर जो है 40 दिन तक जो है वहां पर वो पर्वत पर रहता है तो यहोशू जो है वहां पर विश्वास योग्यता के साथ में जो है करता है, मूसा की जो है बाट जोता है और वहां पर जो है मूसा के लिए जो है इंतजार करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीज यहोशू के बारे में खासियत है कि यहोशू एक नम्र व्यक्ति था, यहोशू एक जो है दीन व्यक्ति था और यहोशू एक आज्ञाकारी जो है सेवक था। उस वजह से परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ, उस वजह से जो परमेश्वर उस पर जो है अपने ध्यान को लगाया और परमेश्वर ने इसराइल की जो है जिम्मेदारी जो है यहोशू के ऊपर सौंप दिया। हालेलुया। उसी तरह से जो है हम देखते हैं आगे जैसे पढ़ेंगे, अगर पहले अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे एक एक अध्याय को हम लोग देखेंगे तो पहले अध्याय में जो है परमेश्वर यहोशू को कहता है, उसके 8वें वचन में कहता है, यहोशू 1:8 कहता है, वहां पर कहता है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर परमेश्वर कह रहा है कि व्यवस्था की पुस्तक जो तेरे चित्त से कभी दूर ना होने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल हो गया और तू एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा। तो परमेश्वर अपने जिम्मेदारी को देने से पहले परमेश्वर उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू मेरे प्रति जो है वफादार रहना, मेरे प्रति जो है ईमानदार रहना, तब जो है जो भी कुछ काम करेगा तू एक प्रभावशाली व्यक्ति बनेगा, तू एक जो है सफल व्यक्ति बनेगा। हालेलुया। तो मेरे जीवन में आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो है अब भी जो है अगर परमेश्वर की सेवा
सेवा करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के लिए कुछ बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले चर्च मुझे और आपको सीखना है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर के जो है आज्ञाकारी बालक के समान, आज्ञाकारी सेवक के समान मुझे और आपको बनना पड़ेगा, और परमेश्वर के नियम को जो है पूरी तरह से अपने जीवन में लेना पड़ेगा, और ना उससे दाहिने मुड़ना है ना ही तो मुझे बाएं मुड़ना है। और ऐसा जब हम करेंगे तब जो भी हम सेवकाई करेंगे परमेश्वर उसमें मुझे और आपको जो है आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसी तरह से जो है आगे बढ़ते हैं, दूसरे अध्याय में हम लोग जाते हैं। तो पहले अध्याय में जैसे हमने देखा कि कैसे परमेश्वर जो है यहोशू को आज्ञा देता है, उसी तरह से दूसरे अध्याय में जो है हम जो है यरियो के बारे में, वहां पर परमेश्वर कहता है कि यरियो के जो है यरियो को जीत ले, और वहां पर यहोशू जो है प्लानिंग बनाता है किस तरह से जो है यरियो के लोग जो है पूरी तरह से जो है में लेने के लिए। सबसे पहले जो है यहोशू प्लानिंग बनाता है, कुछ लोगों को जो है, दो लोगों को वहां पर जो है वो भेजता है ताकि उस देश की जो है वो देख कर आए कि किस तरह से वो देश है, और दो व्यक्ति वहां पर जाते हैं। तो वहां पर एक स्त्री वहां पर जो है एक वहां पर एक स्त्री के घर में जो है वो छुप जाते हैं, जिसका नाम जो है राहाब जो है, और वो राहाब जो है एक ऐसी स्त्री थी जिसको जो है वेश्या कहा गया है ना, बाइबल में लिखा है। वहां पर जो है दूसरे अध्याय में वहां पर कहता है जो है पहला वचन में कहता है, तब नून के पुत्र यहोशू ने दो बेदियों को सितिम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरियो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तो वहां पर लिखा है कि उस देश में जब वो जो है उसको जो है जासूसी करने गए थे, तो एक वेश्या के घर में जाकर जो है वो टिके, वहां पर रुक गए, और राहाब ने जो है उनको जो है अपने घर में टिकाया, अपने घर में उसने छुपाया। और जैसे ही जो है उस देश के लोगों को मालूम पड़ता है कि हमारे देश में यरियो के लोगों को, यरियो के जो है राजा को पता चलता है कि हमारे देश में कोई जासूस घुस गया है, तो वो सारे जगह पर जो है उन लोगों को जो है ढूंढने के लिए अपने सेना को भेजता, सारे लोग ढूंढने लग जाते हैं, जो है राहाब के घर में भी आ जाते हैं, और राहाब जो है वहां पर बोलते है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, और जो है और उनको वापस से भेज देती है। मगर राहाब ने जो है उनको अपने छत पर जो है उन दोनों को जो है छुपा के रखा था, और जैसे ही जो है वहां पर वो लोग चले जाते हैं, और वहां पर जो है राहाब जो है उन दोनों जो है लोगों को जो है अपने खिड़की से जो है विदा करती है, और उनसे एक वाचा बांधते हैं, राहाब भी बांधती है, और जो सेवक जो गए हुए थे वो भी बांधते हैं, और वहां पर जो है उनके अंदर ये वाचा होती है, जब भी तुम इस देश को लूटने आओगे तो मेरे परिवार को हानि मत पहुंचाना, मेरे घराने को हानि मत पहुंचाना। और वहां पर जो है वो सेवक लोग जो है वाचा बांधते हैं कि जब हम लोग वापस रिटर्न आएंगे, जब इस देश को लूटने के लिए लेने के लिए, तब तुम जो है अपने खिड़की में जो है लाल रंग का जो है आपको जो है लाल रंग का जो है ये रस्सी बांध कर रखना, इससे हम जान जाएंगे कि ये घर को जो हमें हानि नहीं पहुंचाना है, और वो लाल रंग को बांध के रखते। तो चर्च वहां इस जो है राहाब के बारे में जो है मुझे और आपको सीखना बहुत जरूरी है। ये राहाब जो है वेश्या थी, ये जो है मुझे और आपको दर्शाता है, मुझे और आपको दर्शाता है, और जो है मैं और आप जो है राहाब के जैसे थे, क्योंकि जो है हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर से अनजान थे, और हमको पता नहीं था कि हमारा सच्चा परमेश्वर कौन थे, और हम जो है जो है अलग 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 चीजों के पीछे आराधना कर रहे थे, अलग अलग जो है जो ईश्वर की आराधना कर रहे थे, है ना, आराधना कर रहे थे। मगर जिस दिन मुझे और आपको यीशु मसीह मिल गया, उसी दिन मेरा और आपका उद्धार हो गया, और जैसे लाल जो है रस्सी वहां पर बताया गया, वो लाल रस्सी जो है यीशु मसीह के लहू को दर्शाती है, और वो यीशु, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है तो यीशु का लहू जो है मुझे और आपको छुटकारा दे देता है। यीशु के लहू को देखकर जो है परमेश्वर भी जो है अपने जो है क्रोध को शांत करता है। और आपको पुराने नियम में भी निर्गमन की किताब में 12वें अध्याय में मिलेगा, जब फसा का त्योहार आया था तो वो जो है मृत्यु का आत्मा वहां पर जा रहा था, तो सारे इजरायली लोगों ने अपने अपने चौकट पर जो है उन्होंने जो है मेमने के लहू को लगाया था, और मृत्यु का जैसे आत्मा वहां से गया था, उस मेमने के लहू को देखकर जो है वो मृत्यु का जो है आत्मा जो है वो आगे चले गया। हालेलुया। उसी तरह से जो है जिस तरह से फसा के त्योहार के दिन जो है वो मेमने का लहू जो है लगा हुआ था, इसलिए मृत्यु जो है उनको
पार कर कर चले गए। जिस तरह से जो है यहाँ पर राहब के जीवन में हम देखते हैं वो रस्सी के जरिए जो है उसके परिवार को बचाया गया, उसी तरह वो रस्सी को देखकर जो है उस जो है लाल रंग के रस्सी को देखकर वहां पर लिखा वचन में दूसरे अध्याय में वहां पर आप पढ़ोगे तो वहां पर कहता है, देखो 18 वचन में कहता है, दूसरे अध्याय का 18 वचन कहता है, सुन जब हम लोग इस देश में आएंगे तब यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता और भाई और वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा रखना। हालेलुया, लाल रंग की जो सूत थी, तो ये चीज वो देख कर ही जो इसराइल लोग जो आपको सीखने मिल रहा है, उसी तरह से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तीसरे अध्याय में आते हैं, तो तीसरे अध्याय में जो है वहां पर वो आते हैं, तो इसराइल लोग जो है जो यरदन के जो है इस पार में थे और यरदन को जो है वो लोग पार करते हैं, यरदन नदी को जो है क्रॉस करते हैं। और किस तरह से उस अध्याय को आप पढ़ोगे तो अद्भुत तरीके से जो है परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया और परमेश्वर ने बताया कि किस तरह से आपको करना है और किस तरह से तुम जो है यरदन नदी पार करोगे। वहां पर जो है सात जो है याजक लोगों को जो है सात जो है लेवियों को जो है वहां पर उसने आगे रखा और उनको कहा कि तुम जो है आगे पहले जो है नदी में जो है कदम रखना और जैसे तुम कदम रखोगे और वो नदी जो है दो भाग हो जाएगी और सारे इसराइल लोग जो है वहां पर जो है उस नदी से जो है क्रॉस हो जाएंगे। और उसी तरह से जो है अगर आप वचन को पढ़ोगे वहां पर कहता है, देखो तीसरा अध्याय 13 वचन कहता है, तीसरा अध्याय 13 वचन कहता है, यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे उसी समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। हालेलुया, वहां पर कहता है जैसे ही बोलोगे तो परमेश्वर मेरे लिए भी आपके लिए भी जो है कई बार हम सोचते हैं कि जो है हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई बातें समझ में नहीं आ रही, तो चर्च आपको डरने की जरूरत नहीं है। जहां पर कोई रास्ता नहीं है, जहां पर जो है कोई ऐसा आपको जो है आशा नजर नहीं आ रही, जहां पर जो है कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, परमेश्वर ऐसी जगह पर से ही जो है आपके लिए एक रास्ता तैयार करेगा, ऐसे जगह से जो है आपके लिए एक आशा की किरण जो है आपके जीवन में वो लाएगा। और परमेश्वर के लिए कोई भी बातें कठिन नहीं की, उसका वचन कहता है लुका किताब में, जो परमेश्वर के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। आमेन, हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर ने जो है इसराइलों को जो है यरदन नदी जो है पार कराया वहां पर जो है। और वहां पर तीसरे अध्याय में वहां पर अगर हम पढ़ोगे तो वहां पर जो है वो लोग जो है उस नदी में से जो है 12 जो है पत्थर को जो है वो निकाल के लेते हैं, 12 पत्थर को जो है वो एक जगह पर जो है खड़ा कर देते हैं, ताकि जो है यहोशु कहता है कि 12 पत्थर को जो एक जगह पर जो है खड़ा कर दो ताकि इसराइलों को जो है स्मरण कराते रहे, इसराइलों को बताते रहे, इसराइल के जो बच्चे वहां पर आगे जो पीढ़ी जो उनकी बढ़ेगी तो उनको वो बार बार उनको बताते रहे कि किस तरह से परमेश्वर ने जो है हमको यरदन पार कराया, किस तरह से परमेश्वर ने जो है यरदन में से हमको निकाल कर लेकर आया। तो उसी तरह से चर्च के जितने भी लोग हैं आप सब भी जो है अगर आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, आपके जीवन में प्रभु कुछ अद्भुत काम कर रहे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी कठिनाइयों से आपको बाहर निकालता है, तो उन सारी गवाहियों को, उन सारी बातों को जो है आप जो स्मरण रखना और अपने बच्चों को भी बोलते रहना, अपने परिवार के लोगों को भी बोलते रहना, ताकि वो लोग भी जाने कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और देखो वहां पर परमेश्वर जो है किस तरह से जो है उनके जीवन में अद्भुत रीति से जो है कार्य किया। हालेलुया। तो आगे बढ़ेंगे और पांचवें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर वहां पर जो है प्रतिज्ञा की भूमि पे जैसे ही उनको पहुंचाता है, वहां पर शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी था और वहां पर परमेश्वर जो है इसराइलों का शुद्धिकरण करता है कि जितने भी लोगों का जो है मूसा के समय पे जो है जंगल में जो है वहां पर जो है खतना कराए गए थे, मगर उसके बाद जो है कई सारे लोग जो है वहां पर जो जितने भी जुने लोग थे वही जंगल में जो है 40 सालों में जो है वहीं पर वो मर गए, मगर उनके बाद जो पैदा हुए थे उन लोगों का जो है शुद्धिकरण नहीं हुआ था, उन लोगों का जो है खतना वहां पर नहीं कराया था। और वहां पर हम देखते हैं कि फिर वहां पर जैसे ही जो है वो प्रतिज्ञा की भूमि में वो पहुंचते हैं और दूसरे वचन में कहता है, उसी समय यहोवा ने यहोशु से कहा, चकमक की छुरियां बनाकर दूसरी बार इसराइलियों का खतना करा दे। हालेलुया। तो वहां पर जो है परमेश्वर कहता है कि वहां पर
इसराइलों को जो है फिर से जो है उनका जो है खतना कराने की जो है वाचा को वो पूर्ण करता है, फिर से उनका शुद्धिकरण करता है, फिर से जो उनको पूरी तरह से पवित्र करता है, जो अब्राहम से बांधी गई थी वाचा और जो मूसा से, और बाद में जो है इसराइल लोग जब कनान देश में पहुंचे थे। तो आज मुझे और आपको भी जो है जानना बहुत जरूरी है, एक खतना जो है जब कराया गया था वो उस समय में जो है एक शारीरिक खतना थी जो शरीर को काटा जाना था, मगर आज मुझे और आपको जो है इस खतना कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया है। आज मुझे और आपको जो है व्यवस्था को जो है मानने की जरूरत नहीं क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया है। आज जो है हम व्यवस्था में नहीं है, मगर आज मैं और आप जो है अनुग्रह में है। आज मुझे और आपको जो अपने खतना कराने की जरूरत है, आज मुझे और अपने हृदय का खतना कराना बहुत जरूरी है। हृदय को जो है जो पत्थर का हृदय निकाल कर उसके जो है मांस का हृदय बनाना बहुत जरूरी है, ताकि जो है हमारे मन को बदलना बहुत जरूरी है, अपने मन को जो शुद्ध करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है यीशु मसीह ने भी आगे कहता है अपने तू अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम रखना, यही सबसे बड़ी आज्ञा है। तो ये परमेश्वर चाहता है, ना कि जो है हमारे शरीर को काटना परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जो है सच्चे मन से, शक्ति से, पूरे बुद्धि से हम परमेश्वर की आराधना करें। आमीन, हालेलुया। और आगे जैसे ही बढ़ते हैं और उसी जैसे इनका शुद्धिकरण हो जाता है, जैसे इनकी जो है परमेश्वर जो है इनको जो है उनको चंगाई देता है, जब वो खतना के बाद जो है कुछ दिन तक रुके रहते हैं, फिर बाद में वो चंगे हो जाते हैं, उसके बाद जो है वहाँ पर वचन हमने पढ़ा था कि जो है वहाँ पर वचन कहता है, दसवां वचन कहता है, इसीलिए इसराइली गिलगाल में डेरे डाले रहे और उन्होंने यरियो के पास के अरबा में पूर्ण मासी के संदेह के समय फसा माना। हालेलुया, वहां पर जो है पहले महीने के दसवें दिन को इजराइल लोगों ने जो है वहां पर जो है फसा का त्यौहार मनाया, और उनका पहला जो है फसा का त्यौहार जो है कनान देश में वो लोग मनाए गए थे। और आपको पता है कि जब जो है इजराइल लोग जब निकल रहे थे, इजराइल लोग मिस्र से निकल रहे थे, है ना, वहां पर जो है उन्होंने फसा का त्यौहार मना के निकला था, और उसके बाद जो है यहाँ पर वो लोगों ने जो कनान देश में अपना पहला जो है फसा का त्यौहार, नया साल जो है मनाया। आमीन, हालेलुया। तो फसा का एक मेमना जो है बलिदान हुआ है, वो यीशु मसीह है जो मेरे और आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। हालेलुया, अगर आज ही वो हमारा फसा का मेमना बनाया, आज मुझे और आपको जो है शारीरिक फसा का पर्व मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो सारा जो है फसा का वो मेमना बनकर मेरे लिए और आपके लिए बलिदान होकर जो है उस परमेश्वर के सिंहासन के पास जाकर बैठ गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे और आपको जो है आनंद मनाना है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो है अपने विवाह के बोझ में जो है शामिल कर लिया। हालेलुया। और जैसे छठे अध्याय में हम लोग देखते हैं, और छठे अध्याय में जैसे हम लोग यहोशू की किताब में आते हैं, तो वहां पर यरियो के पतन के बारे में, यरियो के जो है उसको जीत लेने के बारे में हम लोग देखते हैं, और किस तरह से जो है यहोशू ने जो है यरियो को जीता, किस तरह से यरियो को जो है पूरी तरह से जो है कब्जा किया गया, और यरियो को जो है पूरी तरह से जो है इसराइल लोगों ने अपने ताबे में ले लिया, और देखते कि परमेश्वर किस तरह से जो है उनकी अगुवाई कर रहा था, किस तरह से जो है परमेश्वर जो है चारों तरफ से लोगों को जो है जो घेरे हुए थे इसराइलों को, और एक एक कर जो है इसराइलों के जो है उस सारे लोगों को जो है अधीनता में लेकर आ रहा था। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर इसराइल यरियो को जीतने के लिए परमेश्वर ने कुछ योजनाएं यहोशू को दी थी, और वो योजना इस तरह से थी कि परमेश्वर ने कहा था कि जो है 7 दिन तक जो है यरियो की दीवार को जो है घूमना है ना, 7 दिन तक घूमना है, 6 दिन तो वो एक बार घूमे, 6 दिन एक बार घूमे, और 7वें दिन जो है वो 7 बार घूमे। और वचन कहता है इसके 6 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो, जैसे ही जो है वहां पर 20वां वचन कहता है तब लोगों ने जय जयकार किया और याचक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, तब शहरपनाह की नींव से गिर पड़ी
तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। हालेलुया। तो इस तरह से जो है परमेश्वर वहां पर अद्भुत रीति से जो है इसराइलों को जो है विजय दिलाया और उनको वहां पर जो है लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उनको कोई चीज की जो है वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर की आराधना करते गए, सिर्फ और सिर्फ जो है वो तुरई को जो है फूंकते गए और परमेश्वर की महिमा में वो पूरी तरह से मगन रहे। और वहां पर जो है वहां पर वो 7 दिन तक जो है वो चक्कर मारे, 13 बार जो है उन्होंने जो है चक्कर मारे। और वहां पर कहता है वचन, जैसे ही वो लोग जय जयकार की धुन लगा रहे थे, जय जयकार की जो है अपनी आवाज को ऊंचा उठा रहे थे और जो है तुरई फूकी जा रही थी, वचन कहता है कि तुरंत जो है यरियो की दीवार नींव से जो है पूरी तरह से हिल गई और जो है वहां पर जो है वो शहरपनाह जो है ध्वस्त हो गई और वहां पर तुरंत जो है इसराइल लोगों ने जो है यरियो पर जो है आक्रमण कर दिया और पूरा जो है यरियो का देश जो है अपने कब्जे में ले लिया। हालेलुया। तो इस तरह से जो हमारा परमेश्वर कार्य करता है, क्योंकि वचन कहता है जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारे विरोध में कौन आ सकता है, जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारे विरोध में कौन आ सकता है। आमेन। तो चर्च, जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो ये हमेशा याद रखिए, आपके सामने जो है कितनी बड़ी दीवार क्यों ना हो, आपके सामने जो है कितना भी जो है दानव क्यों ना, कितने भी बड़े ताकतवर लोग क्यों ना हो, अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो आपको जो है लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी लड़ाई जो है वो खुद परमेश्वर लड़ेगा। इसलिए मूसा को भी कहता है कि जो है, और यहोशुफात को भी कहता है कि जो है ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई में तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस लड़ाई को मैं लड़ने वाला परमेश्वर हूं। आमेन। और इस तरह से वहां पर परमेश्वर ने जो है यरियो को जीत लिया और यहोशू ने लोगों को पहले से जो है वार्निंग दिया था, पहले से उनको आगाह करके रखा था कि यरियो को जैसे हम जीत लेंगे वहां की चीजों को जो है वो परमेश्वर के लिए अर्पण की भेंट रहेगी, वहां पर जितने भी लोग रहेंगे उन सबको जो है खत्म करना, उन सारी चीजों को खत्म करना है, मगर जो भी अर्पण की चीजें रहेगी, सोना चांदी पीतल लोहा जो भी रहेगा, उसमें से कोई भी चीजों को जो है आप लोग रखिएगा नहीं, गलती से भी आप लोग के पास रखिए मत। जिस पल आप लोग उस चीजों को रख लेंगे तो आप अपने पर दोष लाओगे। और उसी बात को जो है यहोशू ने समझा कर बोल कर सारी बातों को बताकर उनको आगे भेजा था। और हम आगे बढ़ते, जैसे 7वें अध्याय में आते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति के बारे में आपको जानने मिलेगा। 7वां अध्याय जो है आकान के पाप के बारे में बताता है, आकान के पाप के बारे में बताता है। और जैसे जो है यरियो को जीत कर आ गए थे और जीतने के बाद और एक युद्ध पर जो है इसराइल लोग गए थे और एक युद्ध जो है एक राज्य के विरोध में था और एक ऐसा राज्य है और वहां पर बहुत ही कम लोग थे। यहोशू ने जब अपने लोगों को भेजा वहां की जांच पड़ताल करने के लिए तो लोगों ने बोला कि वहां पर बहुत ही थोड़े लोग हैं, हम सबको जाने की जरूरत है, हम कुछ लोग जाएंगे और उस देश को जीत कर आ जाएंगे। और लोग वहां पर जाते हैं, इसराइल के कुछ ही लोग वहां पर जाते हैं और वचन बताता है कि वहां पर जैसे इसराइल लोग गए थे उस देश के लोगों ने इसराइलों को दौड़ा दौड़ा के मारा और बहुत ही दुखद की बातें, बहुत ही जो है वहां पर मायूसी की बात नजर आती है हमें। वहां पर वचन कहता है 5वां वचन कहता है, 7वें अध्याय का 5वां वचन इस प्रकार से कहता है, तब एके रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारिम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए, तब लोगों का मन पिघल कर जलसा बन गया। तो यहाँ पर देख रहे 36 लोगों को जब मारा गया तो सारे इसराइल लोगों का मन जो है पूरी तरह से पिघल गया, पूरी तरह से पानी हो गया, पूरी तरह से एकदम वो नर्वस हो गए, डर गया और वो सोचने के ऐसा कैसा हो गया, है ना, ऐसा कैसे हो गया। और जब
यहोशु को पता चलता है ऐसा हो गया, तो यहोशु अपने कपड़े फाड़ लेता है परमेश्वर के सामने, वो जो है प्रार्थना करता है परमेश्वर के सामने, कहता है कि क्या परमेश्वर हमको तू वहां से यहाँ पर लेकर आ, और यहाँ पर जो है हम ऐसे छोटे लोगों से हमको जो है हरा दिया, तो ताकि जो है लोग हम पर अभी हंसेंगे, लोग जो है हमारी मजाक करेंगे कि इनका परमेश्वर इनके साथ होने के बावजूद भी ये कैसे मारे गए। तब परमेश्वर जो है यहोशु से कहता है कि तुम्हारे बीच में पाप होने के वजह से जो है ये आज लोग मारे गए, पाप होने की वजह से। और वो पाप क्या था कि आकान ने जो है परमेश्वर की अर्पण की भेंट को चुरा कर अपने घर पर, अपने घर में जो है दफना दिया था। परमेश्वर के अर्पण की भेंट को जो है उसने चुरा कर अपने घर में दफना दिया था, और परमेश्वर ने वहां पर बताया यहोशु को, और यहोशु ने जो है तब लोगों को बुलवाया, तब जो है चिट्ठियां डाली गई, नाम लिया गया, तो वहां पर आकान का नाम आया, आकान का नाम आया, और आकान को जो है वहां पर बुलाया गया। और देखो वचन कहता है, 25 वचन कहता, तब यहोशु ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया, आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा, है ना। एक आकान की गलती के वजह से 36 लोग मारे गए जो परमेश्वर के लिए जुनून रखते थे, जो परमेश्वर के लिए जो है एकदम जो है प्यार से भरपूर थे, परमेश्वर के लिए एकदम जो है एकदम जी जान लगाने वाले लोग थे, और एक आकान के पाप की वजह से जो है वो 36 लोग मारे गए। और यहोशू आकान से कहता है कि तूने हमें क्यों कष्ट दिया। और उस एक के पाप की वजह से देखो वहां पर कई सारे लोग मारे गए। इसलिए वहां पर यहोशू कहता है, तब 24 वचन कहता है, तब सब इसराइलियों समेत यहोशू जहरवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सब को अखोर नामक तराई में ले गया। और जैसे जो है आकान के सारे जो है भेड़ बकरियों को, बच्चों को, बीवी को, सारे घर को वो जो है उस तमाम लोगों को लेकर गए, एक तराई में डाला गया। और देखो वहां पर कहता है, वहां पर कहता है, और 26 वचन कहता है, और उन्होंने उसके ऊपर पथराव का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक अखोर तराई पड़ा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उनको जो है एक तराई में डाल दिया गया, उन पर जो है उनको चलाया गया और उनके ऊपर पथराव कर दिया गया। क्यों? क्योंकि एक अकान के पाप की वजह से इतने सारे परिवार के लोग जो है अनाथ हो गए, इतने सारे परिवार के लोग जो है विधवा हो गए, कई सारे लोग अपने बेटे को खो दिए। तो यहाँ पर मुझे और आपको अकान के पाप से भी कुछ सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम भी जो है कई बार ऐसा होता है कि कई सारी गलती, कई सारे पाप करते हैं, हम ये सोचते हैं कोई हमको देख रहा नहीं है, कोई हमको जो है पूछ रहा नहीं है, कोई हमको जो है जांचने वाला नहीं है, हम कुछ भी करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। मगर एक बात जान लो, पर किसी को पता चले या ना चले, मगर परमेश्वर को सारी बातें पता चलती है। और परमेश्वर ने वहां पर यहोशू पे प्रकट किया कि आकान ने क्या किया। और पता है आपको कि एक आकान के वजह से उसके परिवार को भी जो है मरना पड़ा, उसके परिवार के, उसके बेटे परिवार के जो है पत्नियों को भी जो है, पत्नी को भी जो है मरना पड़ा, उसके बच्चों को भी मरना पड़ा, उसके जानवरों को भी मरना पड़ा, उसका पूरा जो है घराना तबाह हो गया एक आकान के पाप की वजह से। तो कई बार दोस्तों, जब भी आप कोई गलत काम करते हो, जब भी जो है ऐसे कोई विचार आपके मन में आती है, तो उस दिन आप आकान के पाप को याद रखना कि एक आकान के पाप की वजह से कितना जो है दुख जो उनके परिवार को हुआ, कितना जो है परेशान, कितना जो है एक मृत्यु को जो उनको सहना पड़ा। तो आपसे निवेदन है कि हमेशा जो है अपने परमेश्वर को अपने आगे रखना, कभी भी ये सोचना नहीं कि कोई देख रहा नहीं है।
कोई देखे या ना देखे, मगर जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो आप और मुझे देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ का सीसीटीवी काम कभी करे कभी नहीं करेगा, मगर स्वर्ग में जो परमेश्वर का सीसीटीवी है वो कभी बंद नहीं रहता है। वो 2400 घंटे सातों दिन 365 दिन वो चालू ही रहता है, चालू ही रहता है। तो हमेशा याद रखना कि एक आंख ऊपर लगी है, वे हमेशा आप पर नजर रख रही है। आमीन। तो उसी तरह से हम लोग आगे आठवें अध्याय में आएंगे और आठवें अध्याय में फिर परमेश्वर से प्रार्थना करता है यहोशू और कहता है कि हम क्या करना है। तो परमेश्वर कहता है अब तुम जाओ उससे युद्ध करो। और परमेश्वर का इतना बड़ा जो है अनुग्रह जो है इसराइलों के ऊपर हुआ कि वहां पर वो लोग एक ही राज्य के ऊपर आक्रमण करते हैं और परमेश्वर वो राज्य पूरा जो है इसराइलों के हाथ में कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत ही अच्छी तरह से जो है वहां पर प्लानिंग से जो है यहोशू जो है उस राज्य को जीतता है। यहोशू कहता अपने लोगों को कि आधे हम आगे जाएंगे सामने और आधे लोग जो है शहर के पीछे जो है आप लोग जो है वहां पर जो है पैरा देते रहना और वहां पर जो है घात लगा के बैठना और हम आगे जाएंगे। जब उस देश के लोग हमको मारने के लिए आएंगे तो हम लोग वहां से भाग जाएंगे, तो हमको मारने के लिए हमारे पीछे 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 दौड़ते आएंगे और जब वो दौड़ते दौड़ते आएंगे तो उनका जो है शहर जो है खाली हो जाएगा, योद्धा कोई भी नहीं रहेगा। उस वक्त तुम जो है शहर के भीतर जाना और पूरी तरह से शहर को जो है ले लेना। और जैसे जो है वो शहर के जैसे यहोशू आगे जाता है वो लोग उनको मारने के लिए आते हैं, यहोशू वहां से भागता है, उनकी पूरी जो है टीम वहां से भागती है और पीछे जैसे ही वो नगर खाली हो जाता है तो इसराइल लोग उस देश पर आक्रमण करते हैं और पूरी देश को जो है पूरी तरह से जो वो जला देते हैं। और जैसे जला देते हैं वहां से धुआं उठने लग जाता है, यहोशू को दिखाई देता है कि हमारे लोगों ने जो देश पे कब्जा कर लिया है। तब यहोशू भी जो है वापस रिटर्न जो है उन लोगों को एक ही लोगों को जो है मारने के लिए वापस दौड़ता है। वो लोग पीछे मुड़ के देखते तो कहते हैं हमारा देश तो पूरा जल रहा है। तब वहां पर जो है यहोशू पूरी तरह से उनको जो है नाश करता है, पूरी तरह से उनको खत्म कर देता है। इस तरह से एक ही राज्य को भी जो है यहोशू और पूरे इसराइल देश जो है ले लेता है। आमीन, हालेलुया। तो इस तरह से परमेश्वर जो है अद्भुत रीति से कार्य करता है और परमेश्वर के लिए कोई भी बातें कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी बातें जो है असंभव नहीं है। आमीन, हालेलुया। और आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे नवे अध्याय में आएंगे तो वहां पर जो है कुछ जो है विश्वासघात जो है कुछ लोग जो है इसराइल के साथ में करते हैं, यहोशू के साथ में करते हैं। और गिबोन वासियों वहां पर कहता है कि पहले वचन में नवे अध्याय के तीसरे वचन में कहता है, जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरियो को और एक से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गधों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगाए हुए मदिरा के कुप्पे लादकर अपने पाँव में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फंफुली लगी हुई रोटियां ले ली। तो वहां पर जो है जैसे गिबोन वासियों को जो है वहां पर उन लोगों ने सुना कि जो है इसराइल लोगों ने किस तरह से जो यरियो को जीता, किस तरह से एक ही राज्य को जीता और गिबोन वासियों लोग जो है डर गए और वहां के जो है कुछ लोग जो है ऐसे जो है भेष बदल कर जो है पुराने कपड़े पहनकर, पुराने चप्पल पहनकर, पुराने जो है दाग मधु लेकर, पुराने जो है सड़े ऐसे फंगस लगे हुए रोटियां अपने बस्ते में लेकर जो है इसराइल के पास पहुंच गए। और जब वो इसराइल लोगों ने देखा तो इसराइल के लोगों ने पूछा, क्या तुम हमारे सपोर्ट में हो या जो है हमसे युद्ध करने के लिए? तो वहां पर गिबोन वासियों ने कहा कि नहीं, हम तो जो है बहुत दिनों से जो है हम यात्रा कर रहे हैं, हमने सुना कि इसराइल के परमेश्वर ने कैसे जो है आप लोग को जिताया और किस तरह से आप लोग को बचाया और हम वही परमेश्वर को जो है परमेश्वर के पास आए हैं और वही परमेश्वर की हम सेवा करेंगे। तो इस तरह से जो है वहां पर उनकी बातों को सुनकर जो है इसराइल लोग भी पिघल जाते हैं, इसराइल लोग भी जो है यहोशू भी जो है वहां पर जो है इमोशनल हो जाते हैं और उनसे जो है जाने अनजाने में ही जो है उनसे वाचा बांध लेता है। और जो है यहोशू वहां पर उनसे वाचा बांध कर कहता है क्या, हम आपको कभी भी नहीं मारेंगे, कभी भी नहीं मारेंगे। लिखा है जब वहां पर 14 वचन में लिखा है, तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके
भोजन में से कुछ ग्रहण किया, तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे कहा, यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। तो यहाँ पर देख रहे कि परमेश्वर से बिना पूछे जो है यहोशू ने यहाँ पर एक गलत डिसीजन ले लिया और उनसे जो है संधि कर ली, उनसे जो है ऐसा व्यवहार कर लिया कि जो है वहां पर वाचा बांधे कि हम तुमको कभी भी नहीं मारेंगे। हालांकि परमेश्वर का कलाम गया तो परमेश्वर ने कहा कि उस देश को तुमको पूरी तरह से लेना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, मगर यहाँ पर उन्होंने जो है थोड़ी बातों में जो है नरमीपन दिखाई, है ना। और आगे जैसे बढ़ेंगे वहां पर कहता है 19 वचन कहता है, यहोवा की शपथ खाई है इसीलिए आप उसको छू नहीं सकते, हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़े। तो यहाँ पर ये लोग वाचा बांधकर जो है फंस गए थे और अभी उनके पास कोई भी चारा नहीं था इसराइलों के ऊपर, क्योंकि बाइबल भी हमको बताती है हमारी हाँ की हाँ होनी चाहिए और ना की ना होनी चाहिए, और यहाँ पर जो है अगर वो पलट जाते इसराइलों तो उनके ऊपर जो है मुसीबत या परेशानी आ जाती। फिर प्रधानों ने उनसे कहा वे जीवित छोड़े जाए, अतः प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लड़कारे और पानी भरने वाले बने। तो वहां पर इसराइलों के लिए जो है वहां पर उनको छोड़ दिया गया, मगर उनको इसराइल लोगों ने काम पर रख लिया, काम क्या करने के लिए, पानी भरने के लिए उनको रख लिया, और वो इसराइलों के लिए जो है पानी भर भर कर लाकर देने लग गए। तो इस तरह से वहां पर बातें होने लग गई। और आगे 10वें अध्याय में हम लोग आते हैं, 10वें अध्याय में आते तो वहां पर एमोरियो के साथ में जो है बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है और वहां पर बहुत सारे लोग जो है इसराइल लोग से जो है युद्ध करने के लिए आ जाते हैं, और ये गिबोनियों की वजह से भी जो है एक थोड़ा सा इसराइलों को जो है तकलीफ आती है, क्योंकि जो है सारे राज्य के लोग जो है गिबोनियों को जो है मारने के लिए आते हैं, क्योंकि गिबोनियों ने जो है इसराइल के साथ मिल गए थे और सारे लोग जो है गिबोनियों से नफरत करने लगे, इसलिए गिबोनियों को मारने के लिए आ गए थे। तब वो जो दो लोग आए हुए थे इसराइल से जो है लोगों ने छल किया था, वो लोग आके यहोशू से कहते हैं कि तूने हमसे वाचा बांधी थी कि तू हमको नहीं मारेगा, तू हमको बचाएगा, और आज वो टाइम आ गया क्योंकि सारे लोग हमको मारने के लिए आ गए। तो ऐसे वक्त पर जो है यहोशू जो है उसको जो है उसकी मदद करनी पड़ती है, और यहोशू जो है गिबोनियों के कारण फिर जो है हर एक उन लोगों से जो है युद्ध करने के लिए जाता है, और इतना बड़ा युद्ध होता है, और उस युद्ध में परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा होता है। अगर 10वें अध्याय को पढ़ेंगे तो ये ऐतिहासिक बात रहेगी, ना यहोशू के पहले कभी हुआ था, ना यहोशू के बाद कभी हुआ था, ना आज तक कभी ऐसी बातें हुई थी। जब युद्ध लड़ रहे थे तो वहां पर एक अद्भुत बात हो गई और यहोशू ने प्रार्थना किया, और प्रार्थना इस तरह से किया कि जो है सूरज को भी जो है उसने रुका दिया, चांद को भी उसने रुका दिया। वचन कहता है 10वें अध्याय का 11 वचन कहता है, फिर जब वे इसराइलियों के सामने से भागकर बेत्रोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए, जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इसराइलियों की तलवार से मरे हुए से अधिक थी। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइल के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइल के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अलियोन की तराई के ऊपर थमार रहे। हालेलुया। इस तरह से जो है वहां पर और वहां पर कहता है कि तेरा वचन और सूर्य उस समय तक थमारा। जैसे यहोशू ने ये प्रार्थना की और परमेश्वर ने यहोशू की प्रार्थना सुनी, और जो है सूरज जो है गिबोनियों पर और चंद्रमा जो है वहां पर जो है पूरी तरह से थम गया, और वहां पर उनको उस
एमोरियो से जो है विजय परमेश्वर ने वहां पर दिलाया। हालेलुया, हालेलुया। तो देख रहे कि परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है और परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को जो है हानि पहुंचा। कितने भी लोग आपके साथ ने बुरा किए रहेंगे, यहाँ पर जो है गिबोनियों जो है लोगों ने जो है इसराइल के साथ ने गलत किया था, छल किया था, उनके वजह से जो इसराइल लोगों पर जो है तकलीफ भी आई थी। मगर एक बात जान लो, अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो कोई भी कितना भी आपके साथ में छल कर ले, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसके लिए बाइबल में कहता है कि हम जो है अपनी ताकत से जो है अपने बाल को काला भी सफेद भी नहीं कर सकते। वो परमेश्वर ही है जो हमारे बालों तक को भी जो है वो किन सकता, परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। तो वहां पर जो है परमेश्वर ने उस युद्ध में भी जो उनको विजय दिलाया और आकाश से ऐसे ओले गिरने लग गए, आकाश से ऐसे जो है पत्थर गिरने लगे ताकि सारी सेना जो है वहां पर मर गए। और जो उनको जीतने के लिए जो है परमेश्वर ने सूरज को भी उका दिया ताकि एक एक को ढूंढ ढूंढ कर जो पकड़ कर जो उनको मार सके। तो देख रहे परमेश्वर किस तरह से जो है इसराइलों की जो है अगुवाई कर रहा था, किस तरह से परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहा था, किस तरह से हर एक लोगों से उनको बचा रहा था। तो परमेश्वर हमारे साथ में है तो कभी भी चर्च डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमको बचाएगा। आमेन, हालेलुया। और उसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे 11वां अध्याय में, 12वें अध्याय में और 13वें अध्याय में। और ये सारे अध्याय को पढ़ते जा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इन सारे जगह पर देखेंगे तो किस तरह से जो है परमेश्वर ने राज्य को जीता, मूसा के द्वारा राज्य को जीता और जो है यहोशू के द्वारा राज्य को जीता और जो राज्य को जीता गया था। और उस वक्त जो है ये सारे जीतने के बाद जो है वो इसराइलों को जो है वो फिर देश जो है बांटा गया और सबको जिसका जो हक था उनको दिया गया। ये सारी बातें जो इन अध्याय में हम लोग देखते हैं, किन किन राज्यों को जीता, किन किन राज्यों को उन्होंने कब्जे में लिया और किन किन राज्य को जो है किन किन गोत्रों को दिया गया, 12 इसराइल के गोत्रों को दिया गया और यूसुफ के बेटे मनशे एप्रेम को उनको भी दिया गया। इन सारी बातों को हम लोग इन घटनाओं में देखते हैं। और एक जो है बात जो है वहां पर हमको सीखने को मिलती है और परमेश्वर का बहुत बड़ा धन्यवाद जो है आज जो हमारे कानून में ये बातें भी जो है शायद आ गई है या आने वाली है। जैसे बताते जो है बेटे को जितना हक मिलना चाहिए उतना जो है बेटी को भी हक मिलना चाहिए, है ना। ये तो अभी हमारे कानून, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में पहले से यहोशू के किताब में लिखा गया था और जो है बेटियों को भी जो है हक दिया गया था। और वहां पर जो है 17वें अध्याय में तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में दिया गया है और जिसको जो है बेटे नहीं थे, उसको सिर्फ बेटियां थी, बेटे नहीं थे, बेटियां ही थी। तब वे एलेजर याचक नून के पुत्र यहोशू और प्रधान के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वो हमको हमारे भाइयों के बीच भाग दे। तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चाचाओं के बीच में भाग दिया। हालेलुया। तो आज हमारा कानून जो है ये मान रहा है कि जो है महिलाओं को भी जो है हक मिलना चाहिए, बेटियों को भी हक मिलना चाहिए, मगर जो हमारा परमेश्वर जो है सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, सर्वयापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है और वो परमेश्वर ने पहले से जो है हर एक को जो है एक सम्मान वो प्रेम करता है, हर एक को एक सम्मान वो आदर देता है और हर एक को जो है एक सम्मान जो है वो जो है सम्मान करता है। और यहाँ पर जो है महिलाओं के बारे में लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहोशू ने उनको भी जो है उनका हक दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात भी हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि बाइबल में ये बातें भी दी है। तो कभी भी हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है। इसीलिए तो उसके वचन में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो परमेश्वर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, वो मेरे बारे में भी और आपके बारे में भी सोचता है। इसीलिए उसने जो अपने बेटे को मुझे और आपको बचाने के लिए अपने बेटे को यहाँ पर भेजा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह से हमारा परमेश्वर काम करता है। और आगे जो है बढ़ते जाएंगे तो 18वें अध्याय में भी, 19 में भी, 20 में भी और 21 में भी और
22 में भी यही सारी बातों को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है परमेश्वर ने उनको जगह को दिया, किस तरह से जगह को उनको बांटा, कितने कितनी जगह उनको मिली, कितना कितना गांव उनको मिला, कितना कितना जो है नगर उनको मिला। और उसी तरह से जो है जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो सारे जो है उनको सारा जो है डिवाइड किया गया, यर्दन के लेफ्ट साइड में कौन रहेगा, यर्दन के राइट साइड में कौन रहेगा, यर्दन के नदी के किनारे पे कौन रहेगा, पहाड़ पर कौन रहेगा, चट्टान पर कौन रहेगा। तो ऐसी सारी बातें होती गई और इस सबको बांटता गया। और आखिर में जब हम लोग किताब का सबसे जो मुख्य बात आखिर का इसका किताब का जो अध्याय 24वां अध्याय वहां पर ये सारे किताब का सारा जो है सारांश हमको देखने मिलता है। और वो एक ही बात जो है मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। और वहां पर 24वां अध्याय वहां पर परमेश्वर वहां पर यहोशू जो है इसराइलों को जो है आज्ञा देता है। यहोशू फिर से जो उनको स्मरण कराता है इसराइलों को, क्योंकि यहोशू बूढ़ा हो गया, उसका समय आ जाता है वो, क्योंकि बहुत ही बुजुर्ग हो जाता है। और आखिर में यहोशू वहां पर उनको बताता है, कहता है कि 24वां अध्याय 13 वचन कहता है इस तरह से, यहोशू लोगों से कहता है, फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था। तो यहाँ पर यहोशू परमेश्वर की बातों को इसराइलों को याद कराता है, इसराइलों को बोलता है कि परमेश्वर ने हमको एक ऐसा देश दिया। वहां पर कहता है फिर मैंने तुम्हें एक ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम ना किया था, और ऐसा नगर भी दिया है जिन्हें तुमने ना बसाया था और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि ऐसे देश में मैंने तुमको लेकर आया हूँ जिस देश को तुमने नहीं बसाया, जिस देश को तुमने जो है नहीं चलाया, और ऐसे जो है वृक्ष को जो है मैंने तुमको दिया है जिसको तुमने लगाया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने सारे चीजों को जो तैयार करके, सारे चीजों को जो है पूरी तरह से प्रबंध करके इसराइल लोगों के हाथों में दे दिया है। और परमेश्वर वहां पर जाता है, परमेश्वर चाहता है कि इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। आमीन। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी सेवा हम जो है आत्मा और सच्चाई से करें, और उन सारी पुरानी बातों को जो हमारे पूर्वज करते आए थे, उन सारे जो है आदतों को, उन सारे नियमों को, उन सारे जो है ऐसे जो है रीति रिवाजों को हमें छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो है वो रिवाज बनाए गए थे मेरे लिए, ना कि मैं बनाया गया हूँ रिवाजों के लिए। परमेश्वर ने मेरी सुविधा के लिए वो सारी चीजें बनाई गई थी, ना कि मैं उनके लिए बनाया गया था। तो परमेश्वर चाहता है, रोमियो किताब पहला अध्याय भी कहता है वहां पर जो है परमेश्वर की, वहां पर कहता है लोगों ने जो है परमेश्वर की आराधना करने के बजाय वो सृष्टि की आराधना कर रहे थे, सृष्टि की आराधना कर रहे थे, और परमेश्वर को उन्होंने बदल डाला। परमेश्वर को जो है उन्होंने जो है ऐसे पेड़ पौधों में जो है ऐसे जानवरों में जो है वो ढूंढने लगे, मगर परमेश्वर हमारा जो है सृष्टि नहीं है, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोशू वहां पर लोगों से ये बातें फिर से स्मरण करा रहा है, परमेश्वर वहां पर स्मरण करा रहा है। इसीलिए वहां पर जो है इस किताब का सबसे मेन वचन जो है यहोशू का किताब 24:15 में कहता है, वहां पर कहता है और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो। यदि यहोवा की सेवा करना तुमको बुरा लग रहा है, यदि जो है परमेश्वर की आराधना करना आपको खटक रहा है, यदि जो है आपको चर्च में जाने को आपको जो है तकलीफ हो रही है, आपको भेंट और दशवान देने को तकलीफ हो रही है, आपको रोटी प्याला में लेने में भाग लेने में कुछ परेशानी हो रही है, या आपको जो है आराधना करने में कोई भी चीज जो आपको करने में तकलीफ हो रही है, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि और यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करोगे जिनके
देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करते रहूंगा। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पर यहोशू कहता है कि मैं तो यहोवा की सेवा अपने घराने के साथ नित्य करते रहूंगा। तो ये बातें जो मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो भी उपकार, जो भी कार्य, जो भी चमत्कार, जो भी आशीष, जो भी आज मैं हूँ, वो सब कुछ कौन दिया, ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। और आज जो कुछ भी मैं हूँ वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा यीशुआ के कारण ही मैं हूँ, यीशु के वजह से मैं हूँ। और उस यीशु को मुझे आपको भूलना नहीं है, उस यीशु के पीछे। वहां पर यहोशू कहता है कि तुम आज चुन लो किसकी सेवा करोगे, और यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा करेंगे। आमीन। तो चर्च, जितने भी लोग सुन रहे, मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ने इस किताब के जरिए, इस वचनों के जरिए और ऐसे बातों के जरिए आपको आशीष किया है। तो आज मुझे आपको तय करना है कि किसकी आराधना करें, किसकी सेवा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। तो परमेश्वर जब अपना बेटा दे सकता है तो वो हमें और कुछ क्या नहीं देगा, और कुछ क्या नहीं देगा। तो चर्च, आज तैयार हो जाए और प्रार्थना करें। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आज जो भी वचन हमने सीखा यहोशू की किताब में से, प्रभु इन किताबों को प्रभु पढ़कर, इन किताबों को प्रभु सुनकर प्रभु आपने हमें आशीष किया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ। जो भी लोग सुन रहे प्रभु, उनके परिवार को, उनके घराने को भी आप आशीष करो प्रभु, और प्रभु उनके जीवन को प्रभु बदल देना प्रभु। जिस तरह से यहोशू का जो जुनून था प्रभु, जो इसराइलों का जुनून था प्रभु परमेश्वर, आपके पीछे चलने का प्रभु, वही जुनून प्रभु हमारे अंदर आने दे प्रभु, हमारे कलीसिया के अंदर आने दे प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना करते, आमेन आमेन आमेन। तो थैंक यू, आप लोगों ने इस वीडियो को जो है देखा, सुना, तो आपको जो है आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए। तो इस वीडियो को जो है और भी लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को। और अभी तक आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि जो आगे जब भी मैं वीडियो कुछ अपलोड करूँगा तो आपके पास जो है तुरंत नोटिफिकेशन आ सके। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।